भाई साहब तुम देखो ये आपकी गाड़ी लोड हो रही है। सवा छः बज चुके हैं और धुंध देखो बाहर कितनी है। और अभी जा रहा हूँ मैं जालंधर, क्योंकि उस साइड से तो माल मिला नहीं जो जालंधर से कन्फर्म था, तो अभी जा रहा हूँ जालंधर माल भरने के लिए सब्जी श्रीनगर मंडी के लिए। बाकी अब धुंध देख लो कितनी है आगे, भाई साहब धुंध देख लो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से चल रहे हैं। हाँ बहुत ज्यादा धुंध है भाई, जितना आगे जा रहा हूँ उतनी धुंध जो है ना ज्यादा बढ़ रही है। देख लो भाई धुंध दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, 7:30 हो गए, लगता है कि 7:30 बज चुके होंगे। तो अभी जालंधर मंडी में पहुंच चुके हैं और भाई यहाँ पे मुझे लगा गर्मी होगी लेकिन इतनी ठंड है ना सुबह के टाइम, कमल ओढ़े हुए दोनों। तो ये जालंधर मंडी, मंडी के गेट पे बैठे हुए हैं अभी, अभी 11 बजे गाड़ी अंदर लेनी है फिर लोड करना है। तो अभी जो है मंडी में बैठे हुए हैं और ये रही इश्फाक भाई की गाड़ी, ये रही अपनी गाड़ी। तो लोड जो है हमारा अभी 1 घंटे के आसपास हो जाएगा, खाना वाना तो खा लिया अभी हमने, अभी बस बैठे हैं वो माल तैयार कर रहे हैं। तो जैसे ही माल तैयार होगा वैसे ही हम लोडिंग के लिए जाएंगे और निकलेंगे फिर यहाँ से। अभी जो है लोडिंग के लिए गाड़ी लगा दी, अब करेंगे लोड गाड़ी का, देखने कितना टाइम लगेगा। बाकी ये रही मंडी, ये आपकी गाड़ी लोड हो रही है सब्जी की जो श्रीनगर के लिए जालंधर से। और ये हमारा पिंटू भाई है, पिंटू और क्या हाल है, कितनी गाड़ियां लोड करते हो दिन में श्रीनगर के लिए, कितनी गाड़ियां लोड जाती है आज? इधर देखना पिंटू जरा, कितनी गाड़ी लोड हो रही है? दो गाड़ी श्रीनगर के लिए, एक ले एक श्रीनगर, और हो रही है वो दूसरी गाड़ी जो लेह के लिए जा रही है। चार पाँच छः रुपये किलो क्या किलो दस छः रुपये किलो, चार रुपये के जी मूली, मूली 4 रुपये। यहाँ पे हमारा फूलगोभी लोड होगा, ये ट्रैक्टरों में आता है फूलगोभी और लोडिंग होगा फिर। यहाँ पे खाली फूलगोभी है, हाँ
तो लोड करके जो है अभी जस्ट निकले हैं और सुबह 8 बजे तक पहुंचना है मंडी। देखते हैं क्या होगा आगे, फिलहाल निकलते हैं। तो बाईपास पे आ चुके हैं और चल रहे हैं दबा के, ज़्यादा भी उतना दबा के नहीं जा रहा हूँ, हल्का ही चल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा भी दबाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिलहाल पूरी रात चलना पड़ेगा, सुबह पहुँचना पड़ेगा मंडी। भाई देख लो ट्रैक्टरों में कितना माल भरा हुआ है, एक एक ट्रैक्टर में एक एक ट्रक क्या एक एक ट्राला माल भरा हुआ है, सारे गन्ने भरे हुए हैं। तो चल रहे हैं, पहुँचने वाले हैं पठानकोट। तो आज पूरी रात चलना पड़ेगा, सुबह मंडी करनी है, मतलब सुबह 7-8 बजे तक मंडी पहुंचना है। अभी जो है पहुंच गए लखनपुर और टाइम का भी पूरा अंदाजा नहीं है, 9:30 हो गए हैं और पहुंच गए लखनपुर। अभी चलते हैं क्योंकि पूरी रात को तो चलना ही है। अभी सांबा कर दिया क्रॉस, आ चुके दारोड साइड और चल रहे हैं आगे। पहले रुकेंगे, खाएंगे खाना वाना, फिर निकलेंगे आगे। तो भाई सांबा क्रॉस करके दारोड पे जैसे आगे थोड़ा सा आगे चल के अभी रुक गए क्योंकि भाई खाना खाना है, पहले खाएंगे खाना फिर निकलेंगे यहाँ से क्योंकि टाइम हो चुका है 11:30 फिर किस लिए खाना है खाना अगर ज़्यादा लेट हो गया, उससे अच्छा है कि अभी खाना खाएंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। तो दोस्तों 9:06 हुए हैं और सारमोली जो है हमने क्रॉस कर लिया है, अभी जो है चाय हमने पकड़ लिए है ग्लास में और चल रहे हैं आराम आराम से। कल निकले हुए हैं और 4:30 भी हो गए और अभी तक चल ही रहा हूँ। देखते हैं अभी मंडी कितने बजे पहुँचेंगे, अभी तो कोई पता नहीं है, लगभग 6:30 तो पहुँच जाऊँगा। लेकिन भाई आज हालत ख़राब हो गई। तो ये गाड़ी है अपने साथ 5125, फाइनली भी 6:30 हो चुके हैं और परमपुरा मंडी में हम पहुंच चुके हैं। डाला वाला रस्सी वस्सी खोल दी गाड़ी की, अब जो है हम सोएंगे फिर ये करेंगे अपना काम। चलो ये व्लॉग करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।